हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो कि आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, के सच में माउंट एवरेस्ट पर कंकाल और लाशें मिलती है और टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप देश के लिए खतरा क्यों है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं, जब तक हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि लार ना हो, तब तक हम किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले पाएंगे, चाहे वो करेले का जूस ही क्यों ना हो या फिर कोई मिठाई हो। नंबर 9, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग 75% से भी ज्यादा पानी से बना हुआ है। नंबर 8, दोस्तों जब भी बारिश का मौसम होता है तो आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है, पर दोस्तों आकाश से गिरी हुई बिजली सूरज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा गर्म होती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि भारत में बंदरों की संख्या लगभग 5 करोड़ है, जबकि ब्राजील में बंदरों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि 8 करोड़ है। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान का टोक्यो शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है और इंडिया का मुंबई शहर 4th स्थान पर है, जो कि सबसे सेफ शहर है। नंबर 5, दोस्तों एक रिसर्च से ये पता चला है कि 1 घंटे की डरावनी फिल्म देखने से 30 मिनट तक पैदल चलने के बराबर कैलोरीज बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कैलोरीज कम करनी हो तो क्या आप भी 1 घंटे तक हॉरर मूवी देखेंगे? नंबर 4, दोस्तों आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि जागने के 5 मिनट के अंदर आप रात में देखे गए आधे सपने भूल जाते हैं और 10 मिनट के अंदर 90% सपने आपके दिमाग से गायब हो चुके होते हैं। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नंबर 3, दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि इंडिया में टिकटॉक जैसी 300 से ज्यादा चाइनीज ऐप बैन कर दी गई? दोस्तों, दरअसल टिकटॉक जैसी चाइनीज ऐप देश के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ 2017 के अनुसार चीन अपने देश की किसी भी कंपनी से किसी का भी डेटा मांग सकती है और उन कंपनियों को उन्हें सारा डेटा देना पड़ता है, जिससे इंडिया की कई सारी सुरक्षा और डेटा को खतरा हो सकता है। नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंटरनेट के डेटा का लगभग 97% डेटा सैटेलाइट के जरिए नहीं बल्कि समुद्र में बिछे हुए केबल के जरिए ट्रांसफर होता है। एंड द लास्ट नंबर 1, दोस्तों क्या सच में माउंट एवरेस्ट पर कंकाल और लाशें मिलती है? तो इसका जवाब उन लोगों ने दिया है जो एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय अब तक करीब 280 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी लाशें वहीं पड़ी हुई पाई जाती हैं। कई बार तो लोग इनका सहारा लेकर ऊपर भी चढ़ते हैं। तो ये तो तय है कि ये बातें सच है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।